हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस के मैकेनिकल टेक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑटो कैड में 3D में एल्बो कैसे बनाया जाता है। जो हम एल्बो बनाने वाले हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि 8 इंच का एल्बो है। यहां 8 इंच का जो आउटर डाया है 219.3 mm है, और जो इसका सेल का जो थिकनेस है, जो वाल का थिकनेस है 6 mm है। और यहाँ पे एल्बो का जो एल्बो सेंटर है 304.8 mm है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे कि ऑटो में 3D में एल्बो बनाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्किल कमांड लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर सर्किल ड्रा करना है जो एल्बो का एल्बो सेंटर है, जैसे कि 304.8 mm का एक रेडियस का एक सर्किल ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद से इसको क्या करेंगे कि हम लोग 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर करना है। यहाँ से 4 टाइप करके इंटर कर देंगे तो 4 भाग में डिवाइड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से जो भी अनवांटेड पार्ट है इसे हम डिलीट कर देंगे। फिर से आपको क्या करना है, कमांड बार में सी टाइप करना है, सी फॉर सर्किल, देन इंटर करना है। और इस यहाँ पे इसके सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, 200 डाया का एक सर्किल ड्रा करेंगे। तो डायामीटर के लिए डी टाइप करेंगे, देन इंटर करना है। 219.3 mm का एक यहाँ से डाया का एक सर्किल ड्रा कर लेना है। उसके बाद से आपको स्वीप कमांड लेना है। स्वीप कमांड जैसे कि SWEEP, स्वीप लिख के इंटर करना है। और इस सर्किल को यहाँ से आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सर्किल को मैं सेलेक्ट कर लिया। देन आपको क्या करना है, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद से सेलेक्ट स्वीप पाथ के रूप में जो कर्व है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं या 3D में एल्बो फ्रेंड्स यहाँ पे बन गया। अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हैलो करेंगे। हैलो करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप व्यू यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके लिए सॉलिड एडिट कमांड का यूज़ करना है। तो कमांड बार में टाइप करना है सॉलिड एडिट, जैसे कि आप देख रहे हैं, देन इंटर कर देना है। और यहाँ से बॉडी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, देन सेल को सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट 3D सॉलिड, यानी कि 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ से ऐड कर लेना है। देन फिर माउस का राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद से यहाँ पे रिमूव फेस दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे और यहाँ से थोड़ा जूम करके इसके फेस को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपोजिट साइड में भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में आपको क्या करना है, इसके फेस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर जैसे ही आप करेंगे तो इंटर द सेल ऑफसेट डिस्टेंस मांगेगा, जो कि ये वाल का थिकनेस है। तो यहाँ पे हम लोग 6 mm दे देंगे, देन इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेलो फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद से 2 बार यहाँ से एग्जिस्ट कर देना है, इसे यहाँ से एग्जिस्ट करना है। देन फिर से आपको यहाँ से एग्जिस्ट कर देना है। अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एल्बो बन गया है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।